नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस का आरोप, गुजरात में गैर कानूनी ढंग से चुनाव जीतना चाहती है भाजपा। गुजरात में खरीद फरोख्त पर बोले राहुल गांधी, कहा गुजरात अनमोल है और इसे कभी भी खरीदा नहीं जा सकता। 15 दिन पहले भाजपा में शामिल हुए पाटीदार नेता निखिल सबानी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। भाजपा पर लगाया वोट बैंक की राजनीति का आरोप। हार्दिक पटेल के सहयोगी नरेंद्र पटेल का दावा, भाजपा में शामिल होने के लिए 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, 10 लाख रुपए एडवांस में मिले। अखिलेश यादव का ऐलान, समाजवादी पार्टी गुजरात में 5 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एनजीटी ने दिल्ली के 4 रेलवे स्टेशनों पर लगाया 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। राजस्थान के उदयपुर में कार दुर्घटनाग्रस्त, गुजरात के 5 लोगों की मौत। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर शहर माइदुगुरी में 3 आत्मघाती महिला हमलावरों के हमले में 13 लोगों की मौत और 16 अन्य घायल। सेना प्रमुख को विमान में चढ़ने से रोके जाने पर इंडोनेशिया ने अमेरिका से सफाई मांगी। टेस्ट टीम में मुरली अश्विन और रविंद्र जडेजा की वापसी, T20 के लिए श्रेयस और सिराज को मिली टीम में जगह। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में हार से निराश विराट कोहली ने कहा, हमारी बल्लेबाजी कमजोर रही। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।